जय हिंद प्यारे साथियों, चंपारण की धरती से मैं आपका जुबैर सर। और किसी ने सही कहा है कि सफलता किसी की बपौती नहीं होती है, वो साधने साधना की दासी होती है। जो मेहनत करेंगे उनको उसका जो है फल मिलेगा, और इसी को चरितार्थ किए हैं हमारे नितेश जी, जिनका फाइनल सिलेक्शन जो है BSF में हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर के साथ आए हैं। तो इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर आपके सफलता का राज क्या है, इनसे हम लोग जानेंगे कैसे पढ़ाई करते थे, इनसे जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इनके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण था, और इनसे जानेंगे कि आखिर आज सोशल मीडिया की इतनी जो भाग दौड़ की जिंदगी है इससे कैसे दूर रहे और अपने सफलता का राज। तो सबसे पहले नितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहले जॉब का ज्वाइनिंग लेटर इसको आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले अपने गुरु को समर्पित किए, लेकर आए, बोले कि नहीं सर सबसे पहले आपके लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक गुरु के लिए इससे बड़ा सम्मान की बात क्या हो सकती है कि उनका विद्यार्थी, उनका शिष्य जो है ऊंचाइयों को छूता हो, जो उसको सपना हो उसको पूरा करता हो। तो सबसे पहले इसके लिए नितेश जी को टैग परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम लोग जानते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या है। नितेश जी सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार, फादर नेम अखिलेश महतो, मैं बेतिया जिले से रहने वाला हूँ। और अच्छा नितेश जी एक बात जानना वाली ये है कि अभी फर्स्ट टाइम है थोड़ा कैमरा के सामने आने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सफलता जो है आपको जो है सफलता एक ऐसी दुल्हन है जो गली के कुत्ते भी जीजा मानने लगते हैं, और यही सिस्टम जो हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने बोला है चीज़ों को। सफलता बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत प्यारी चीज़ होती है, और अगर कोई सफल होकर अपने गुरु को इतना सम्मान दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप पढ़ाई का आपका पैटर्न क्या रहा, आप शुरू से बताइए कि आप जो है कैसे पढ़ाई किए। आराम से, हड़बड़ा नहीं, आराम से बता। पढ़ाई के लिए मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के कारण ही मैंने आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इन्होंने जो हम लोगों को पढ़ाया था। अच्छा, पढ़ाई जो है सबसे पहले जो है आप किस बैच में आए थे मेरे यहाँ? सर के पास मैं सुबह में 8 से 9 जो इन्होंने फाउंडेशन बैच चलाया था। अच्छा। मैं उनमें आया था, पढ़ाई किया, फिर इन्होंने एक SSGD का जब नोटिफिकेशन आया तो स्पेशल बैच इन्होंने चालू किया था। SSGD का बैच? जी, तो उसमें मैंने पढ़ाई किया, बहुत सारे बच्चे थे। अच्छा, आप लोग जो है पढ़ाई किए, सारे चीजों किए, लेकिन बहुत लोग को बच्चों का ये दिक्कत होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करें। आज जो है बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम बहुत घटा दिया गया है और बच्चों के दिमाग में यही है कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें कि हम ज्यादा स्कोर कर पाएं। तो थोड़ा इसके बारे में आप चर्चा कीजिए कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए। सब देखिए, आप मैं SSGD में 4 पोर्शन होते हैं, जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है, मैथ का 20 क्वेश्चन, GK और GS मिलकर आपको 20 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश भी होता है, कंपलसरी होता है, आपको हिंदी बनाइए या इंग्लिश बनाइए। तो सबसे जो मेन होता है आपके लिए रीजनिंग होता है, क्योंकि उसमें रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया। अगर ये आप पढ़ते हैं तो 20 में 20 कर सकते हैं। GK का पोर्शन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि GK का सिलेबस जो है बहुत लंबा होता है। तो मैं जो मीडियम विद्यार्थी हैं, जो मतलब ना ज़्यादा तेज नहीं है, उनसे यही कहूँगा कि वो GK पे ज़्यादा ध्यान ना दे, GK ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, क्योंकि GK आप कितना भी पढ़िएगा उसमें 20 में 20 आपका सही नहीं हो सकता है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी ऐसा पोर्शन है जो जिसमें आप 20 में 20 कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आजकल तो इतना रील्स का ज़माना है, इस रील्स भरी दुनिया में आप कैसे बच गए? क्या आप भी रील्स देखा करते थे क्या आप भी रील्स देखा करते थे या नहीं देखा करते थे? अब बताइए इसके बारे में। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो मैं भी रील्स देखा करता था, लेकिन मैं 3-4 टीचर हैं जिनसे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ ऑनलाइन पे, जिसमें मैं खान सर का नाम लेना चाहूँगा, एक औद ओझा सर हैं, नीतू मैम हो गई, दिव्या कीर्ति सर हो गए, इन लोगों की मैं रील्स ज़्यादा देखा करता था, क्योंकि इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता था। आजकल के ज़माने में मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया से आप जितने ही दूर भागेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग जाते हैं, मान लीजिए रील्स देखने, कहते हैं 2 मिनट देख लेता हूँ, पढ़ाई से मन भाग गया है, लेकिन वो 2 मिनट 1 घंटे में तब्दील हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा बच के रहिए, मोटिवेट होते रहिए, क्योंकि जब नौकरी लगेगी ना तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता की होती है,
सबसे बड़ी खुशी उनको मिलती है, आपसे कहीं ज्यादा खुशी आपके माता पिता को मिलती है। अच्छा एक बात बताइए कि मैथ जो है आप मैथ की तैयारी कैसे किए हैं, मैथ के बारे में बताइए थोड़ा। बच्चों का सबसे ज्यादा डर मैथ से ही रहता है कि उस टाइमिंग कम रहता है, स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो मैथ के लिए आपका पैटर्न कैसे रहा, जैसे क्लास आप किए कैसे कैसे हुआ चीजों को थोड़ा बताइए। देखिए मैथ जो है उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो मैथ का मैंने सर के पास से क्लास किया था, इन्होंने हम लोगों को क्लास में जो पढ़ाया था उसके अलावा एक चैप्टर वाइज इन्होंने नोट्स प्रोवाइड कराया था, जिसमें प्रीवियस ईयर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप उसको लगाइए, जो यहाँ से पढ़ते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उसको आप लगाइए, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर उसको आपने सभी अच्छे से बना लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके एसएससी जीडी में आपको 20 में से कम बनेगा तो 19 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस आपको मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा तो वो कैलकुलेशन पे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं उसमें आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए मैथ में, वही आपका टाइम बचा सकता है। अच्छा 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 आपने जो है बोले कि जीके जीएस जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उसमें स्कोर आप नहीं कर पाते हैं, तो आपने जीके जीएस की तैयारी कैसे किया था, बच्चों को बताया जाए, फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको भी जानना जरूरी है। और आप सिलेक्टेड हैं, आप बीएसएफ में सिलेक्टेड हैं, और आपके अनुभव है, अपने अनुभव के आधार, आपके रिजल्ट के आधार पर आप बताइए कि आप नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जीके जीएस के लिए। देखिए जीके जीएस तो मैं कुमार गौरव सर हैं जो करंट और स्टैटिक पढ़ाते हैं, एसएससी जीडी में करंट का रोल अहम हो जाता है क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलते हैं। तो मैं उन्हीं से पढ़ाई किया था ऑनलाइन, सुबह में वो 6 बजे से क्लास चलाते हैं, बस उतना ही मैं पढ़ा था और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। हिंदी के लिए जो है हिंदी के लिए आपने ऑफलाइन से पढ़ा, कौन सा बुक आप पढ़े थे हिंदी के लिए? हिंदी के लिए सर आपने जो नोट्स प्रोवाइड कराया था बस मैं वही नोट्स पढ़ा और मेरे 19 क्वेश्चन हिंदी में सही है। हिंदी ज्यादा टफ नहीं होता है, 20 में 19, और वो भी डायरेक्ट नोट्स से जो हम लोग क्लास में कराते हैं। जैसे मैथ के लिए भी जो बच्चे पढ़ते होंगे जानते होंगे, उनके लिए जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि हमारा एसएससी जीडी का सेपरेट बैच आता है और वहां पे जो है आपको थ्योरी भी होता है कंसेप्ट, और कंसेप्ट के साथ वहां क्वेश्चन कराते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर भी देते हैं, और हिंदी के लिए भी नोट्स देते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम फायदा हो सके। और इनका हिंदी में 19 सही था, मैथ में कितना स्कोर किए थे आप? मैथ में 18 बनाए थे जिसमें से गलत हो गया था, मैथ में मेरा 17 सही था। बताइए 17, 20 में 17। तो इसीलिए बार बार हम चीजों को बोलते हैं कि आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये आपको लेके चला जाएगा बहुत आगे। और फिर जीके जीएस तो सब बच्चों का एवरेज होता है, तो उसमें तो स्कोर करना ही है, एवरेज स्कोर भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा, 10 से 12, 13 भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में 18, अगर रीजनिंग में 18-19 कर देते हैं, हिंदी में 18-19 कर देते हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। और नितेश जी ने वैसे किया है, बताइए हिंदी में 19, मैथ में 17 और रीजनिंग में, रीजनिंग में 19, तो क्यों रिजल्ट नहीं होगा? ये बात को बहुत शुरू से हम बोलते हैं कि आप ज्यादा फोकस कीजिए। और जीके जीएस में कितना सही था? जीके जीएस मेरा 10 सही था, 12 बनाए थे, 12 बनाए थे जिसमें 10 सही था, तो इतना ही एवरेज रहता है जीके जीएस में 10 से 12। लेकिन जो फोकस करने वाले सब्जेक्ट है, बच्चे उस पर फोकस अगर नहीं करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करने लगते हैं, उन्हीं का कैलकुलेशन इधर गड़बड़ हो जाता है और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आज हम लोग नितेश जी से जाने कि आखिर इनके सफलता का राज क्या है। और सबसे पहले जो है टैग परिवार की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनको भी मिठाई लेकर आए हैं, इनको भी खिलाना तो बनता है, और इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे जो है ऐसे लोगों के वो जो है जनक हैं जिनके अंदर देश सेवा करने की जुनून है, जज्बा है। इन्हीं सब बातों के साथ जो है इनको मिठाई खिलाकर हम लोग विदा लेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और लोगों तक पहुंचे। चलिए नितेश जी को जो है चलिए इधर खाइए, इधर देख के खाइए, थोड़ा लोग भी देखें, ये खुशी का मिठाई, और इसको जो है आप लोग भी खाइएगा, बस मेहनत करते जाइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।